हेलो गाइस, आई एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो आज का मेरा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो चुका है, प्रेजेंट की सारी काइंड्स हम देख चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। सीता सैंग ए सॉन्ग, ही रोट ए लेटर, दे प्लेड फुटबॉल, रवि परचेज्ड ए टीवी, इट रेंड यस्टरडे। तो इन सेंटेंस से हमें मालूम हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले तो सब्जेक्ट आया है, फिर क्या आई है, वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो सीधा सीधा सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ख़ास तरीके से क्या देखना है कि हर वर्ब कैसी आई है, सेकंड फॉर्म में आई है, सैंग, रोट, प्लेड, परचेज, रेंट। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगलर हो, यानी सीता जो नाम है वो हमेशा सिंगलर होता है, ही प्रोनाउन क्या है, सिंगलर है, दे प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है। यानी कुल मिलाकर हमें ये पता चला कि चाहे सिंगलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगलर हो या प्लूरल हो, कैसी वर्ब आएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए देखते हैं रूल। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है पास्ट इंडेफिनिट में। फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सीता सैंग ए सॉन्ग, ही रोट ए लेटर, दे प्लेड फुटबॉल, रवि परचेज टीवी, इट रेंड यस्टरडे। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, राधा डिड नॉट मेक ए मिस्टेक, राम डिड नॉट ए बुज। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चला कि निगेटिव सेंटेंस में हर जगह क्या आया है, डिड नॉट एक्जैक्टली वर्ब आई है। चाहे वो सब्जेक्ट ही हो, शी हो, दे हो, राधा हो या राम हो, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ एक ही वर्ब आई है, डिड डिड डिड, यानी डिड नॉट आया है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए, राइट, सिंग, प्ले, मेक, एबूज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। एक्जैक्टली वर्ब सबके साथ डिड नॉट आया है, चाहे सब्जेक्ट सिंगलर हो या प्लूरल हो। तो चलिए देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये किसका रूल है, निगेटिव सेंटेंस का। वहीं पर इंटरोगेटिव की बात करें तो सेंटेंस पहले देख लेते हैं। डिड ही राइट, डिड शी गो, डिड राम एबूज, वाई डिड ही गो, वेन डिड राधा गो टू जयपुर यस्टरडे। तो ये इंटरोगेटिव के सेंटेंस है। अगर क्या वर्ड सबसे पहले आता है तो उस सेंटेंस की, यानी चाहे जो सभी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस की एक्जैक्टली वर्ब सबसे पहले आ जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले एक्जैक्टली वर्ब आ जाती है जब क्या शब्द सबसे पहले आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्जैक्टली वर्ब क्या है, डिड है। तो डिड सबसे पहले आ गया है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगलर हो, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब में क्या आएगा, डिड आएगा। तो डिड ही राइट, डिड शी गो, डिड राम एबूज। वहीं पर इंटरोगेटिव की बात करें तो वाई डिड ही गो, वेन डिड राधा गो टू जयपुर यस्टरडे। तो देखिए, वाई और ये वन ये क्वेश्चन वर्ड हैं। उसके बाद में क्या आया है, एक्जैक्टली वर्ब डिड आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, फिर क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो चलिए देखते हैं इसका रूल। एक्जैक्टली वर्ब डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई है, वेन है, वेहर है, हु है, आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में एक्जैक्टली वर्ब डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आगे देखते हैं, ये बेसिक हो गया है। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, यानी विभिन्न सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होना। तो चलिए देखते हैं, पहले ये किताबी जो है डिफिनेशन है। ऐसे कार्य जो भूतकाल यानी पास्ट टाइम में पूरे हो गए हों, उनमें जनरली कार्य पूरा होने का एक डिफिनिट टाइम पता चलता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छोटी सी बात याद रखें, इतनी बड़ी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो किताबी है। अगर जो है टाइम पे फोकस करे, अगर टाइम पर कोई सेंटेंस फोकस करे तो वहाँ पर यूज़ होता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टाइम जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक,
तो लास्ट आ गया, एगो आ गया, एस्टरडे आ गया, तो इन वर्ड से टाइम फोकस का पता चलता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो सेंटेंस से पढ़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एन एक्सीडेंट टूक प्लेस यस्टरडे, देखिए इसमें यस्टरडे आया है। ही केम लास्ट नाइट, शी टेलीफोन्ड मी लास्ट नाइट, आई डोनेटेड 5,000 रुपी लास्ट ईयर, रमेश बॉट ए पेन अ वीक एगो। देखिए इसमें आया है लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, अ वीक एगो। तो कुल मिलाकर यानी कि जब टाइम पे फेसिस हो, जब टाइम पे फोकस हो, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, अ वीक एगो, यस्टरडे, तो वहाँ यूज़ होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। वहीं पर पास्ट की हैबिट, जब पास्ट की हैबिट को व्यक्त करे, पास्ट की हैबिट को दिखाए, तो कहाँ पर, तो यूज़ होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। जैसे ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग, शी नेवर वेंट टू चर्च, ही नेवर मिस्ड अ ट्रेन। तो जब पास्ट की हैबिट को दिखाता है, हैबिट का मतलब आदत, तो पास्ट की जब हैबिट आदत को दिखाए, तो वहाँ पर यूज़ होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी रूल, इन्हीं रोलों के साथ। थैंक्स।